41वीं कहानी परमेश्वर यीशु की मरे विचा जिंदा करता है। सैनिके थमां यीशु की क्रूस उपर चढ़ाने दे बाद यहूदी अगुवे ने पिलातुस की आख्या, उस झूठे यीशु ने आख्या हा कि वह 3 दिन दे बाद मरे विचा जी उठग, तुसें गी पक्का करने आस्ते कबर दी देखभाल करनी होगी ते उदे चेले उदे शरीर की चोरी नहीं ले जान। अगर वह इयां करदे ने ते वह आखगे कि वह मरे विचा जिंदा होइदा है। पिलातुस ने आख्या कि सैनिके गी ले जाओ ते जियां तुस करी सकन उयां गै कबर दी देखभाल करो। इस करी उन्हें उस कबर दे जाने आले दरवाजे दे पत्थर उपर एक मोर लाउड़ी। उन्हें ए पक्का करने आस्ते उते सैनिके गी बिठाई दिता कि कोई भी उदे शरीर दी चोरी नहीं करी सके। यीशु दे मरने दे बाद दा दिन आराम दा दिन हा। कोई भी आराम आले दिन काम नहीं करी सकता हा। इस करी यीशु दा कोई भी मित्र कबर उपर नहीं आया हा। लेकिन आराम आले दिन दे बाद दे दिन सवेरे बड़ी लोई च किस जनानियां यीशु दी कबर उपर जाने आस्ते तैयार होईयां। ओ उदे शरीर उपर होर भी मसालें गी लाना चाहुंदियां ही। उन्हें जनानियां दे पुजने कोला पहले कबर उपर एक बड़ा भुंचाल होया। स्वर्ग विचा एक स्वर्गदूत ने आइए उस पत्थर गी बखिए करूड़िया जेका कबर ते जाने आले दरवाजे गी डके दा हा ते उदे उपर बेईया। ए स्वर्गदूत लोई आले लेके चमका दा हा। कबर उपर जेके सैनिक हे उन्हें उसी दिखया। ओ इन्ना डरी दे हे कि मरने आले दे लेके धरती उपर किरीए। जिसले ओ जनानियां कबर उपर पुजियां ते उस स्वर्गदूत ने उनेंगी आख्या, नहीं डरो, यीशु इत्थे नहीं है, ओ मरे दा विचा जिंदा होइदा है। जियां कि उसने आख्या हा कि ओ जिंदा होई जाग, कबर च तुप्पो ते दिखो। उन्हें जनानियें कबर ते अंदर ते जिथे यीशु दा शरीर रखा हा उत्थे तुप्या ते दिखया कि उदा शरीर उत्थे नहीं हा। उस वेले उस स्वर्गदूत ने उन्हें जनानियें गी आख्या, जाइए उदे चेलें गी सनाओ यीशु मरे दे विचा जिंदा होइदा है ते ओ थोड़े अगे अगे गलील गी जाग। ओ जनानियां हैरान होईयां ते बड़ी खुश होईयां। ओ चेलें गी ए शुभ संदेश सनाने आस्ते खिट लाई। जिसले ओ जनानियां चेलें गी ए शुभ संदेश सनाने आस्ते अपने रस्ते उपर ही ते यीशु उंदे उपर प्रकट होया, ओ उंदे पैरें उपर किरियां। उस वेले यीशु ने आख्या, नहीं डरो, जाइए मेरे चेलें गी गलील जाने गी आखो, ओ मिकी उत्थे दिखगे।